अमिता किचन में आपका वेलकम करते हैं। आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाली जलेबी, जो बहुत ही क्रिस्पी बना है पी है। ये दुकान पे बने हुए जलेबी उससे ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं व्रत में खाई जाने वाली आलू की जलेबी। आलू की जब फलाहारी जलेबी बनाने के लिए हमने एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है, आधा बाउल हमने दही लिया है, आधा बाउल सिंघाड़े का आटा लिया है, 1/4 बाउल हमने साबूदाना का पाउडर लिया है, इसे हमने पाउडर बना लिया है पीस के। हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, इसमें हम दही डाल देंगे। आलू को हम फोड़ के इसमें डाल देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अगर आप ग्राइंडर जार में डाल के नहीं पीसना चाहते हैं तो आलू को कद्दूकस करके भी बना सकते हैं। अब हम इसे बंद करके पीस लेंगे। ये आलू हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है, एकदम पतला पीस गया है। अब हम इसी में सिंघाड़े का आटा डाल देंगे, साबूदाना पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। अगर ये गाढ़ा रहेगा तो इसमें हम थोड़ा और दही डाल देंगे और इसे हम एक बार और ग्राइंड करेंगे जिससे हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम दोबारा पीस लिया है। ये हमारा एकदम अच्छा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये हमने थोड़ा सा केसर घोल के रखा है, इसमें हम डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही इसे बना सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनके तैयार हो गया है। अगर ये आपको थोड़ा सूखा लगे तो इसमें दही थोड़ा और मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम सही है। इसे हम बिना बेकिंग पाउडर बिना बेकिंग सोडा के ही बनाएंगे। अब हम इसे इसी तरह से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अगर हमारा तैयार हो रहा है तब तक हम चाशनी बनाएंगे। हम इसमें डालेंगे एक बाउल चीनी और इसमें डालेंगे हम एक बाउल पानी। जितना हम चीनी डालेंगे उतना ही हम पानी डालेंगे। गैस को हम तेज़ करेंगे जिससे हमारा चाशनी बनके तैयार हो जाए और चीनी जल्दी गल जाए। अभी हम हाई फ्लेम रखेंगे। चीनी हमारा गल गया है, चाशनी हमारा हो रहा है। इसे हम इसी तरह से 3-4 मिनट पका लेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। 4-5 इलायची को कूटकर हमने पाउडर बना लिया है। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हम जरा से निकाल के देखेंगे ये चिपचिपा हो जाए, बस हम गैस बंद कर देंगे। ये चिपचिपा हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे। चाशनी हमारा बन के तैयार हो गया है, बैटर हमारा सेट हो गया है। अब हम एक इस तरह से पॉलीथीन लेंगे, कोई भी दूध का पैकेट, चाय का पैकेट, कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं। इसे हम रख देंगे और इसमें हम ये बैटर डालेंगे। हमने इसमें बैटर डाल दिया है। इसे हम इस तरह से मोड़ के पैक कर लेंगे। और हम इसमें एक रबड़ बैंड लगा देंगे। अब इसे हम कोने में पतला से काट देंगे। कढ़ाई में हमने घी डाला है, घी हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा डाल के देख लेंगे, घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम जलेबी डालेंगे। एक हम इधर भी डालेंगे।
अब ये हमारा हो रहा है, अब इसे हम पलट देंगे और इसे हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप इसे चाहे जितना छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये हमारा हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। अब ये हमारा हो गया है, इसे हम पलट देंगे। अब ये हमारा हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम चाशनी में डालेंगे। इसे हम इस दूसरे तरह से भी बना लेंगे। ये हमारा हो रहा है, इसे हम हल्का ब्राउन करेंगे। अब हम इसे धीरे से पलट देंगे और उधर भी हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा हो गया है, अब इसे हम निकाल के चाशनी में डालेंगे। ये हमारी जलेबी बनके तैयार हो गई है, इसे हमने चाशनी में डाल दिया है। अब इसे हम इसी तरह से 2 मिनट छोड़ देंगे और इसे फिर निकाल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। हमारा व्रत में खाए जाने वाली जलेबी बनके तैयार हो गया है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपना अनुभव कमेंट करके हमारे साथ शेयर करिए। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।